दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, जनपद मुख्यालय के अशोक लाद पर किया विरोध प्रदर्शन, मौजूदा भाजपा सरकार पर लगाए आरोप, अपनी कमियों को छिपाने के लिए करवाई गई केजरीवाल की गिरफ्तारी है और ईडी भाजपा सरकार के लिए कर रही है काम, लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियों को ध्वस्त करने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है मौजूदा सरकार, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नाम आपका? सिंह क्यों बैठे हैं आप? हमारे जो माननीय आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय संयोजक है दिल्ली के लोकप्रिय और कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सरकार की साजिश के तहत गिरफ्तार किया ईडी ने कल रात में। पूरे घर का सर्च किया, वहाँ पर 2 घंटे वहाँ पर ईडी रही, सब कुछ वहाँ पर तलाशा, 1 रुपया नहीं मिला वहाँ पर। केवल एक जो एक अरविंदो फार्मा था, जो शराब कथित घोटाला ये लोग कह रहे हैं भाजपा वाले और ईडी, उसी के दम पर ये गिरफ्तारी किया है कल अरविंद जी की। उसमें से अरविंदो को जो डायरेक्टर था उसने 35 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भाजपा को चंदा दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है उसमें से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 6,000 करोड़ से ज़्यादा चंदा मिला है भाजपा को। उस खबर को दबाने के लिए हमारे जो लोकप्रिय, पूरे देश के लोकप्रिय और कट्टर ईमानदार जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, केवल ये दबाने के लिए, अपना पाप छुपाने के लिए भाजपा ने अरविंद जी को गिरफ्तार कराया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हैं और चाहते हैं कि इसमें से जल्द अरविंद जी को छोड़ें। ये गलत है, ये विपक्षियों को किस तरह धमका रही है आदमी भाजपा अपने पुलिस के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ये सब कोई इस समय देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है।